दादी माँ के घरेलू नुस्खे। सेंधा नमक प्रयोग करें, थायराइड, बीपी और पेट ठीक रहेगा। केवल स्टील के कुकर का ही प्रयोग करें। एल्युमिनियम में मिले हुए लेड से होने वाले नुकसानों से बचेंगे। रिफाइंड तेल के बजाय केवल तिल, मूंगफली, सरसों और नारियल का प्रयोग करें। सोयाबीन बड़ी को 2 घंटे भिगोकर मसल कर उसका झाग निकाल कर ही प्रयोग करें। रसोई में एग्जास्ट फैन जरूरी है, प्रदूषित हवा बाहर करें। काम करते समय स्वयं को अच्छा लगने वाला संगीत चलाएं। खाने में भी अच्छा प्रभाव आएगा और थकान भी कम होगी। देसी गाय के घी का प्रयोग करें, अनेक रोग दूर होंगे, वजन नहीं बढ़ता। ज़्यादा से ज़्यादा मीठी नीम, करी पत्ते अपने सब्जियों में डालें, सभी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लोहे की कढ़ाई में ही बनाएं, आयरन की कमी किसी को नहीं होगी। भोजन का समय निश्चित करें, पेट ठीक रहेगा, भोजन के बीच बात ना करें, ज़्यादा पोषण देगा। काम की बात। नंबर 1, खांसी में 1/2 चम्मच काली मिर्च का चूर्ण शहद के साथ चाटें। नंबर 2, जलने पर मेथी दाना को पीस कर लेप लगाएं। नंबर 3, घाव होने पर हल्दी को तेल में गर्म करके लगाएं। नंबर 4, उल्टी आने पर लौंग को पानी में उबाल कर पिएं। नंबर 5, पेट दर्द होने पर अजवाइन में थोड़ा नमक मिलाकर पिएं। नंबर 6, माइग्रेन होने पर नींबू के छिलके को पीसकर लेप को माथे पर लगाएं। नंबर 7, पुराने बुखार में जीरा में गुड़ मिलाकर पिएं। नंबर 8, हिचकी रोग में अदरक की डली चूसनी चाहिए। नंबर 9, मूत्र में जलन होने पर छोटी इलायची का चूर्ण मिलाकर पानी के साथ पिएं। नंबर 10, जोड़ों के दर्द में अदरक का रस गुनगुना कर लगाएं। नंबर 11, चक्कर आने पर सौंफ में चीनी मिलाकर सेवन करें। नंबर 12, दस्त होने पर सौंफ को पीस कर पानी के साथ लें। नंबर 13, मुंह में छाले हो जाएं तो जायफल के काढ़ा के साथ गरारा करें। नंबर 14, निमोनिया होने पर हींग पानी में घोल कर पिएं। नंबर 15, माता निकलने पर 1/4 लौंग चूर्ण को शहद के साथ लें। नंबर 16, मिट्टी खाने की आदत में अजवाइन का चूर्ण रात में लें। नंबर 17, पित्त उछले तो हींग को घी में मिलाकर लगाएं। नंबर 18, धूम्रपान की आदत छुड़ाने में सौंफ को घी में सेक कर खाएं। नंबर 19, तोतलेपन में रात को 5 मिनट के लिए 2 ग्राम भुनी फिटकरी मुंह में लें। नंबर 20, मोच आने पर गर्म पानी में नमक मिलाकर पिएं। नंबर 21, जलवायु परिवर्तन होने पर काली मिर्च घी में तलकर या सब्जी में पकाकर खाएं। नंबर 22, बिस्तर में पेशाब आने पर 1 ग्राम अजवाइन सोते समय पानी के साथ लें। नंबर 23, कब्ज होने पर हरण खाएं, ऊपर से दूध पिए। दोस्तों, आपको यह पोस्ट पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। कमेंट करके जरूर बताएं आपको यह पोस्ट कैसा लगा।